दादी उस टेबल लैम्प को कभी नहीं बंद करती थी। वो टेबल लैम्प दादी के रूम में कोने में रखा हुआ था। हर हफ्ते वो दोपहर में जब सूरज की रोशनी काफी होती थी उसका बल्ब चेंज करती थी। वो जब बल्ब बदल भी रही होती थी तो सांसें रोक के जल्दी से बदल के उसे ऑन करती। मैं अक्सर उनसे उस लैम्प के बारे में पूछता था तो वो हंस के मेरे बालों को सहलाती और फौरन बात बदल देती। मुझे सच्चाई का तब पता चला जब मैं 13 साल का था। पहली बार मैंने वो टेबल लैम्प बंद किया। मैं बस देखना चाहता था कि क्या होता है। दादी चीखती हुई आई। वो कमरे में घुसी। उनके हाथों में मिठाई की प्लेट जो अब हाथों से नीचे गिर चुकी थी। उनके होंठ भगवान का नाम लेने लग गए जब उन्होंने इस लैम्प को ऑन किया। उनकी आंखों में आंसू थे जब वो मेरी ओर मुड़ी। बिना कुछ बोले उन्होंने मेरे गाल पे जोर का थप्पड़ मारा। मैंने दादी को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। उस थप्पड़ से मैं सकपका गया और रोने लगा। दादी ने मुझे बाहों में भर लिया और मुझसे माफी मांगते हुए वो भी रोने लगी। और फिर पहली बार उन्होंने बताया, ये आत्माओं को दूर रखने के लिए लैंप है। जब दादा के साथ वो इस घर में आई थी तो मरे हुए लोगों की आत्माएं उनका पीछा करती थीं। बड़ी हिम्मत करके दादी ने दादाजी को ये बात बताई। उन्होंने सोचा था कि दादाजी उन पे हंसेंगे, लेकिन दादाजी ने उनकी बातों पे विश्वास किया। फिर दादाजी ये लैंप लेके आ गए और तब से अब तक जब तक ये लैंप जलता रहा वो आत्माएं दादी को कभी नहीं दिखी। उस दिन के बाद मैंने दादी के यहाँ आना जाना कम कर दिया। मैं धीरे धीरे उनसे ना मिलने के बहाने बनाने लगा और जब मुझे उनकी मौत की खबर मिली तो मुझे एहसास हुआ कि लगभग 10 साल से मैं उनसे नहीं मिला था। दादी ने अपनी वसीयत में वो घर मेरे नाम कर दिया था। जब वकील उस घर में दादी की वसीयत पढ़ रहा था तो मैं घर की दीवारों की ओर देख रहा था। कितनी खूबसूरत यादें जुड़ी थीं इस जगह से। मैं किराए के कमरे में रहा करता था, इसलिए यह फैसला लेने में मुझे एक मिनट भी नहीं लगा कि मैं आज शाम ही इस घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। शाम को मैं अपना सामान लेके आ गया। जब मैं दादी के रूम में घुसा तो मेरी नज़र उस टेबल लैम्प पे गई। उसे देखते ही मुझे वो दिन याद आया जब दादी ने मुझे थप्पड़ मारा था। मैं उसके करीब पहुंचा और मैंने उस टेबल लैम्प की लाइट ऑफ कर दी। रात में मेरी नींद उन आवाजों से खुल गई। मैं बेड पे लेटा ध्यान से उन्हें सुन रहा था। मैंने लिविंग रूम में खरोचने की आवाज सुनी। मैंने उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की, सोचा चूहे वगैरह होंगे, पर वो आवाजें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। फाइनली मैंने चद्दर हटाया और लिविंग रूम में जाने लगा। कमरे में चांद की रोशनी हर जगह बिखरी थी। इतने सालों बाद भी मैं घर का कोना कोना जानता था, इसलिए मैंने लाइट भी ऑन नहीं की और लिविंग रूम में पहुंचा। चांद की हल्की रोशनी में मैंने देखा लिविंग रूम के कोने में दीवार के पास एक बूढ़ी औरत खुद को सिकोड़ के बैठी थी। वो हर थोड़ी देर में फर्श को अपने नाखूनों से खरोच रही थी। उसका चेहरा उसके घुटनों के बीच नीचे की ओर झुका था। उसे देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये औरत मेरे घर में कैसे घुसी? मैंने थोड़ी हिम्मत करके उसके पास पहुंचा। मैंने घबराते हुए उसके कंधे पे हाथ रखा। मैं पूछना चाहता था कि वो कौन है, कहां से आई है, कहां रहती है। ये सब सवाल मेरे मुंह में ही रह गए जब उस औरत ने धीरे से अपना सर उठाया और मेरी ओर देखा। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसका जबड़ा पूरा खुला हुआ था। उसके चेहरे की झुर्रियों से मुझे एक पल लगा ये पहचानने में कि वो कौन है। और फिर वो चिल्लाई, दादी चिल्लाई।
मैं पीछे हटा और घबराते हुए रूम में घुसा। मेरा हाथ सीधे उस टेबल लैंप पे पड़ा और मैंने उसकी लाइट ऑन कर दी। कमरा रोशनी से भर गया और वो गायब हो गई। दादी गायब हो गई। मैंने उसके बाद उस टेबल लैंप की लाइट कभी बंद नहीं की। मैं हर हफ्ते उसका बल्ब बदलने लगा, दादी ही की तरह। मेरी शादी हो गई और किस्मत से मेरी वाइफ को मेरी इस आदत से कोई परेशानी नहीं थी। लैंप की लाइट जलती रही और हम खुशी खुशी रहते रहे। कुछ दिनों से मेरा बेटा मुझसे लैंप के बारे में पूछ रहा है और मैं हंस के उसके सवाल को टाल देता हूँ। मैं उसे बताना नहीं चाहता। मुझे याद है कैसे उस लैंप की वजह से मैं दादी से दूर हो गया था, ये सोच के कि वो सनकी पागल हैं जो ऐसा काम करती हैं। हालांकि मैं थोड़ा चिंतित हूँ। मैं हमेशा जिंदा नहीं रहूँगा और मैं जानता हूँ एक ना एक दिन मेरा बेटा उस लैंप को ज़रूर बंद करेगा। मुझे डर है उस दिन वो मुझे देखेगा कमरे के कोने में बैठा फर्श को खरोंचता हुआ।